अस्सलाम वालेकुम मेरे मुअज़्ज़ज़ पाकिस्तानियों, मेरा नाम है अमीर मुगल शहनशाह और आज बात होगी वतन अजीज के मौजूदा हालात और उनका हल और उसके लिए कौम की क्या खिदमत होती है, कौम की क्या जिम्मेदारी होती है और हम लोग कर क्या रहे हैं। और हमारे ये जो इमरान खान साहब हैं पीटीआई के लीडर, इनकी जो टीम है वो कितनी सेंसियर है पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ, हमारी कौम के जो बाकी सियासतदान हैं वो मुल्क के साथ कितने सेंसियर हैं, हमारे इदारे कितने सेंसियर हैं, ये सारी बातें हम तफसील से करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप इसको वक्त देंगे क्योंकि आप एक पाकिस्तान के शहरी हैं, कौमी बाशिंदा हैं, पाक कौम है और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस चीज को अच्छी तरह समझें और अपनी जिम्मेदारी का हक अदा करें, ना कि बस सिर्फ जो है हम दुनिया को बस वो टिकटॉक पे लगाए रखें और अपने मामलात को देखते रहे और वतन जो है वो 76 साल में बजाय बुलंदियों पर जाने के कहां से कहां डिग्रेड हो चुका है, अल्लाह माफ करे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने वतन की सूरत हाल और फॉर्म 45-47 पर। तो मेरे मुल्क के जितने भी इससे कंसल्टेड, इससे रिलेटेड इदारे हैं जिनकी ये जिम्मेदारी में हिस्सा आता है कि वो इस चीज को देखें और समझें, तो उनको अभी तक ये समझ नहीं आई कि पाकिस्तान में क्या हुआ है, फॉर्म 45 क्या है, 7 क्या है, 46 क्या है, इलेक्टेड क्या है, सिलेक्टेड क्या है, रिजेक्टेड क्या है, कोई भी उन बेचारों को कुछ भी नहीं पता चला या वो अभी तक इस बात पे डटे हुए हैं कि नो आई बिल्कुल 100% शेयर द क्लीन एंड नीट एंड गुड रिजल्ट। व्हाट इज दिस यार, मुल्क है, कोई निजाम है, पूरी दुनिया के सामने कोई पाकिस्तान का इमेज भी है, उसका भी लिहाज रखो। ये जरूरी नहीं है कि जो आपको समझ आए आप करते जाए, आप इदारे हैं मुल्क के, इज्जत करते हैं लेकिन इज्जत इतनी करेंगे जितनी आप चाहेंगे और इज्जत उसकी होती है जिसको इज्जत की परवाह होती है। आप अपनी इज्जत का खुद जनाजा निकालो तो लोग पागल के बच्चे आपकी इज्जत करेंगे, क्यों करेंगे, किस बात की करेंगे। इसलिए इज्जत की जाती है कि हमारे इदारे अच्छा काम करते हैं, दुनिया में हमारे वतन का अच्छा इमेज बनाते हैं। और अगर आप हमारा वतन का अच्छा इमेज नहीं बना सकते, दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत नहीं दिला सकते तो किस बात के अच्छे हो, कोई अच्छे नहीं हो, कोई इज्जत के काबिल नहीं हो वो जो पाकिस्तान को दुनिया में अप नहीं दिखा सकते। और जिन्होंने वतन के लिए अच्छा किया और दुनिया में वतन को बनवाया उनको सलूट पेश करते हैं, वो कौन है, जो है वो सब काबिल एहतराम है। और वो कौन है जिन्होंने ऐसा गलत किया उनकी कोई इज्जत नहीं, उनको किसी खाते में नहीं गिनते। तो इसलिए सबसे पहले इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर हमारे इदारे सेंसियर होकर बिल्कुल ऑनेस्ट अच्छे तरीके से बैठो और जो जीता है, जिसको मेरे अल्लाह ने इज्जत दी है, जिसको पाक कौम ने इज्जत दी है, आपको क्या एतराज है उसको, और जो हारा है उसको इत्तेफाक से उसका नसीब में नहीं है, वो हार गया तो वो किस बात पे शोर कर रहा है कि मैं जीत गया। ये सारी बातें मेरी एक कौम की हैसियत से है, मुझे किसी सियासी एक जमात की तरफ से ना मैंने बात करनी है, ना मैं किसी सियासी जमात का कारकुन हूं और ना ही मैं उसका कोई एक फॉलोअर हूं। मैं सबको मिक्स सिर्फ एक पाकिस्तानी की हैसियत से देखता हूं और आप खुद पाकिस्तानी हो और अपने पाकिस्तानियों से बात करूं। इसलिए कि जो फर्ज करो कि जो एक माहौल है वो पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि यार हमारे साथ बहुत बड़ा धांधला हुआ है, ठीक है, तो अगर तो पीटीआई का कैंडिडेट जीता है तो उसे हराया क्यों गया, यह हक है उसका, वो जीता है, उसकी जीत मानो। और अगर वो वाकई हारा हुआ है और वो दुनिया के सामने ढंढोरा पीट रहा है कि मैं जीता हूं, तो भी आपकी गलती है इदारों कि वो हारा हुआ है और वो आपके सामने वो जो है शोर शराबा भी है, उसके बाद आप उसको बोलो भाई सबर आ जा लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने सारे फॉर्म 45 उठा के ले आ और हमारे साथ बैठ, हमें बता तू कैसे जीता है, वो आ जाएगा, उसको बुला लो आप उसके फॉर्म 41 को बोलो हाँ भाई ये तेरा हल्का है, वहां से तेरे इतने वोट, अब बता इस हल्के से तेरे फॉर्म 45 में कितने वोट हैं, कौन से तुम्हें जो है वो इलेक्शन एजेंट ने, वहां के कंसल्टेंट ने, कौन से वहां से ऑफिसर ने तुम्हें साइन करके दिया है कि तुम्हारे पास 7,000 वोट है और हमारे पास 2,500 आ रहा है, तो उसके साइन दिखा दो, हम उससे पूछें कि तूने कैसे बनाए। तो मतलब इस चीज को क्लियर करो ना, जो गलत कह रहा है उसको बोलवा, उसको बोल भाई तू जीता हुआ आ जाना हमें बता कैसे जीता हुआ। तो दुनिया के सामने उसको भी बैठाओ खुद भी बैठो, तो दुनिया को समझ तो आए कि यार ये तो हारा ही है
और वाकई आ रहा हुआ है और बेवकूफ है, हमें भी पागल बना रहा है, शोर शराबे करता फिरता है। और अगर वो वाकई जीता हुआ है तो आप कौन है तो उसको उसको हराने वाले? उसको जिताओ, उसको मानो, उसको सीट दो। कौन ने उसको हक दिया कि जाओ हमारी नुमाइंदगी करो? आपने उसको घर में बैठा दिया है और जिसको आप चाहते हो आप उसको कौन का नुमाइंदा बनाओ? अजीब मसला है। और जो पीटीआई के खुद क्यादत है, उनके जो लोग हैं, जो उनके मेन जनरल बॉडी है, मैं तो उनको भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूंगा कि आप लोग इमरान खान के सेंसियर नहीं, आप इमरान खान के न विजन पे काम कर रहे हो, ना आप उसके सेंसियर हो, ना आप उसको जेल से निकालने के लिए तकबद कर रहे हो, आप सिर्फ अपनी दाल रोटियां चला रहे हो, आप सिर्फ अपना मंजन बेच रहे हो और पब्लिक को और जितने भी उनके जो वर्कर्स हैं, जो चाहने वाले हैं, उन सबको आप सिर्फ फूल बना रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। आपकी कारकर्दगी जीरो है। और ये जिम्मेदारी मेरी नहीं, ये जिम्मेदारी आपके चाहने वालों की है। बाद में आगे तो आप उसमें देखो, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। जो पीटीआई के लोग जो इमरान खान को फॉलो कर रहे हैं, वो बैठकर घर में एक कागज कलम लें और बैठकर लिखें, हकीकतों को समझें और फिर अपनी आला कयादत के करैक्टर, उनके जितने भी रिजल्ट सर्टिफिकेट जो भी आपके सामने आ रहे हैं, उस पर तवज्जो करें। ये टोटल आपके साथ टोटोपी ड्रामा खेल रहे हैं। उनके साथ बैठ के देखो कि यार इसमें बैरिस्टर गोहर साहब, इसमें 16 साल से ऊपर जज रहने वाला शेर अफजल मरवत साहब, ये फलां इतने नामवर लोग, कानून के इतने करीब लोग, ये सारे समझने वाले लोग, और इमरान खान के ऊपर इतने नाजायज केस, ये आज तक अदालत में उसकी रेट नहीं लगा सके, उसके ऊपर बात ही नहीं कर सके। इनके पास कोई कानून ही नहीं है। अगर इनके पास रूल्स है, लॉ है, अब ये बोले कि उसमें आर्मी मुदाखलत करती है, उसमें एजेंसियां मुदाखलत करती हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा, कैसे नहीं सुन रहे, दर बुलाओ उनको दुनिया के सामने, लाइव चैनल में चीफ जस्टिस के सामने उसको बोलो, चीफ जस्टिस साहब को कि लाइव हमें पूरी दुनिया को बताओ कि हम क्या कह रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं, लाइव चलाओ। तो बोलो भाई ये अगर हम गलत हैं तो पूरी दुनिया के सामने हमें गलत साबित करो, और अगर हम ठीक हैं और आप गलत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं आप अदालत है इंसाफ करें, सिंपल। कौन सा बड़ा इसमें अलजबरा है? वो आज तक कोई बेसिक वो पॉइंट पर ना जा सके, कोई बेसिक बुनियादी ऐसा काम नहीं कर सके कि वो इमरान खान को उसको कोई रिलीफ दे सके। क्या रिलीफ दे दिया? अगर कोई मुकदमात ऊपर नीचे से खारिज हो रहे हैं तो वो डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, वहां की मामलात, वहां की पॉलिसी की जो चेंजिंग है, वो उसकी वजह से कोई इफेक्ट, वो जो साया या कुछ परछाइयां या कुछ ठंडी हवाएं यहां तक पहुंचती हैं, वो इसलिए पहुंच रही हैं कि अगर वो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आती है तकरीबन ये नवंबर दिसंबर तक, उसके बाद वहां पर कोई चेंज आता है तो वो फिर चेंज यहां भी आएगा, और ये जो इतना मामला चल रहे हैं इन सब की मुखालफत वहां उनकी जाती चल रही है, वो कोई आपके इमरान खान के लिए नहीं लड़ रहे, वो तो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, उसका रिजल्ट वो जो है वो यहाँ इसका असर अंदाज होगा। तो आपके जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी आपकी कैबिनेट है, उनका टोटल करेक्टर जीरो है। आप उनको पूछें, सबसे पहला हक आपका है, आपने वोट दिया है, आप वोट इमरान खान को देते हो, तब्दीली इसका नाम नहीं है, शऊर इसका नाम नहीं है कि जो बंदा इमरान खान को कहे कि यार ये तो गलत है, आप पूरा पाकिस्तान के जितने भी टाइगर है वो सारे उसके पीछे चढ़ दौड़ो, ओए तूने इमरान खान को ये कैसे कह दिया, ये शऊर नहीं है, ये बेवकूफी है, जहालत है, कम अकली है, बेवकूफी बिल्कुल एक निचले दर्जे का पागलपन है। ठीक है, शऊर इसको कहते हैं कि आपने इमरान खान को वोट दिया, सबसे पहले इमरान खान को पूछने वाले आप, ये है शऊर कि आप उससे पूछोगे हमने आपको वोट दिया, आपने मुल्क के लिए ये किया, इसमें क्या मेरे मुल्क का फायदा है? इसमें तो मुल्क का फायदा नहीं, तो ये पॉलिसी कैसे बना दी तुमने, हमने तुम्हें किस लिए वोट दिया? ये है शऊर, इसको तब्दीली कहते हैं कि आप इमरान खान के सपोर्टर हैं तो आप इमरान खान को पूछो, आप गौर साहब के अपना वोटर हो, उनके सपोर्टर हो, तो सबसे पहले गौर साहब को आप पूछो, बजाय इसके कि जरदारी उस पर तनकीद करे, शहबाज शरीफ उस पर तनकीद करे, नवाज शरीफ उस पर तनकीद करे, राणा सनाउल्लाह उस पर तनकीद करे, वो तो उन्होंने तो तनकीद करनी, वो तो है मुखालिफ, तो उनको तनकीद का मौका ना मिले, आप खुद पहले तनकीद करना सीखो,
और जब खुद तनकीद करोगे तो दुनिया तनकीद करेगी, तो आप उनके पीछे पागलों की तरह नहीं भाग पड़ोगे कि शायद अफरीदी जो है वो इमरान खान के खिलाफ गलत बोल रहा है और पूरे पाकिस्तान का मीडिया सारे शायद अफरीदी पे चढ़ दो। शायद अफरीदी के पीछे भागने से बेहतर है कि खुद को उस लेवल पे ले आओ और उनको पूछो जिनकी वजह से शायद अफरीदी बोल रहा है, उस हकीकतों को ढूंढो, बेसिक क्या है, वजह क्या है, आपने जिसको वोट दी है उसने आपके वोट को कितनी इज्जत दी है, चाहे आप किसी भी सियासी जमात के, मेरा जितना भी जो अल्फाज है वो सबके लिए है, लेकिन पीटीआई जो है वो इस वक्त सर फहरिस्त है हर लिहाज में, हर मकाम पे, हर महाज पे, तो इसलिए मैं उनको डायरेक्ट मुखातिब कर रहा हूँ। आपने नून लीग को वोट दिया तो आप कहाँ गए मियां नवाज शरीफ साहब को पूछे, पंजाब में आपने नून लीग को वोट दिया तो आप मरियम नवाज शरीफ को सबसे पहले नून लीग के लोग पूछे कि मोहतरमा ये जो आपने राशन पैकेज भेजा है ये तो लोगों बाजारों में बट गया, लोगों गरीबों तक तो पहुंचा नहीं, मोहतरमा हमने वोट इसलिए नहीं दिया था कि लोगों की दुकानें भर दो, और अगर आपकी गलती नहीं है तो ये जो हुआ है इनको उठा के अदालत में जेलों में डालो और राशन उठा के गरीबों तक पहुंचाओ, ये आपकी ड्यूटी है, हमारे वोट देने का मकसद है। हमने नून लीग को वोट इसलिए नहीं दिया कि राशन जो है वो बाजारों में थैले फाड़ फाड़ के वो बांट दें, आटे के थैले कल्टी करें और वो आटा फिर वही 200 रुपए किलो बिक रहा है, तो वो जो कर रहे हैं वो मरियम साहिबा तो नहीं कह रही, लेकिन मरियम साहिबा जो वजीर आला की सीट पर बैठी है उसकी ड्यूटी तो ये है ना कि मैंने आटा भेजा है वहां गरीबों की मदद के लिए, उनको भेजो राशन, रमजान शरीफ है लोगों को सहूलत मिले, वो तुम लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, तो उस पर तवज्जो करना उनका काम है। और इससे पहले कि पीटीआई के लोग आप पर तनकीद करें, पीटीआई के लोग आपकी वीडियो बना बना के बोले यार ये देखो नून लीग क्या कर रही है, तो ये नून लीग की अपनी ड्यूटी है कि सबसे पहले नून लीग का वोटर मरियम नवाज साहबा को, शहबाज शरीफ साहब को पूछे कि भाई हमने वोट दी, आपने कहते हैं वोट को इज्जत दो, अब हम कह रहे हैं हमारे वोट को इज्जत दो, और इनको आके पूछो, इनको उठाओ एक मिनट में और ये आटा ट्रकों में रखो और अपनी निगरानी में गली मोहल्लों में खुद बांट के आओ, ड्यूटी है उनकी, जिम्मेदारी है, वो तनख्वाह लेते हैं, और अगर वो अखलाकी तौर पर तनख्वाह ना लेने का ऐलान करें तो ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने वतन के लिए सोचा, अच्छी बात है, उसको अप्रिशिएट करो, लेकिन ये भी नहीं किसी ने बोले कि भाई हम तनख्वाह भी नहीं लेंगे और हमने आटा भेज दिया, अब आगे पहुंचे ना पहुंचे तुम्हारा नसीब नहीं। सबसे पहला हक और शऊर और तब्दीली इसको कहते हैं कि नून लीग का वोटर है तो वो नून लीग को पूछे, आप पीपल्स पार्टी के वोटर हैं तो आप आसिफ अली जरदारी साहब को पूछे, आसिफ साहब ये हमने वोट इसलिए नहीं दिया कि आप ये करें, हमने वोट इसलिए दिया है कि आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने और हमारे हकूक का वहाँ पर मामलात करें, उसकी पासदारी करें, हमारे मसाइल को हल करें, तो हमने आपको वोट दिया तो वोट को इज्जत दो, पाकिस्तान को इज्जत दो, कौम को इज्जत दो, मुआशरे में अपना मकाम पैदा करो, दुनिया में वतन का और अपना नाम पैदा करो, ये क्या सिर्फ अपना आप बनाओ नहीं, अपने वतन का नाम बनाओ, तुम्हारा नाम तो खुद को खुद बन जाए, ये चीजें समझें, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें, अपने वतन के लिए कुछ करें, तो फिर कोई इसको शऊर कहे, फिर इसको कोई तब्दीली कहे, ताकि किसी जमात के बंदे को, किसी भी हमारे कैंडिडेट को किसी भी तरह से कोई बात मेरी नागवार गुजरी हो, तो मेरा मकसद वतन की इज्जत पूरी दुनिया में बेहतर बनाना है, इस पर काम करना है, इसके लिए काम करें, मिलजुल कर आगे बढ़े, और ये रंजिशें, ये झगड़े, ये फड्डे, ये फसाद, ये मुल्क का फायदा नहीं है। और इस वक्त जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग तमाशा देख रही है, इनको भी अकल के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि एक बंदे को तो ये समझाया जाता है कि देख कल तेरे साथ भी ऐसा होगा, पीपल पार्टी और नून लीग को ये कहने की जरूरत नहीं है कि कल देखो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, उनसे कहो कि कल तुम्हारे साथ क्या ऐसा नहीं हुआ था, वो तुम्हारे साथ तो पहले हो चुका है, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद, उनको फांसी दी गई, तो क्या तुम्हारे साथ नहीं हुआ उस वक्त, ये नून लीग जिसके आज तुम बगल में बैठे हो, ये छलांगे मार रहे थे, ये जाओ लाख साहब की गोद में बैठे थे और आप जाओ लाख के मुखालिफ खड़े थे और उन्होंने जो है वो मोहतरम जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी दिलवा दी, और आप लोगों को पीपल पार्टी के जियालों को दबाने के लिए ये सारी मशीनरी आप पे चल चुकी है और आप इससे वाकिफ हैं।
नून लीग वालों से बोलो कि आपको क्या 10 साल के लिए जिला वतन नहीं किया गया, आपके साथ ये नहीं हुआ, आपने ये फिल्म नहीं देखी पहले, आपको नहीं पता क्या होता है, कौन से फार्मूले में ये काम होता है। तो जब आपके साथ भी हो चुका है, पीपल पार्टी के साथ भी हो चुका है, आज पीटीआई के साथ भी हो चुका है, कल कोई और जमात भी उभरती है वो इक्तदार में आती है, टीएलपी के साथ भी पहले गुजारा हो चुका है, वो खुद खादिम रिजवी साहब भी अंदर रह गया है, साथ रिजवी साहब भी रह गए हैं, हालात तो वो भी देख ही चुके हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है और कैसे कैसे हो जाता है। तो जब सारे जानते हो तो फिर आप लोग किस बात के सियासतदान हो, मुझे तो बड़े धड़ल्ले से कहना पड़ेगा कि आप अकल से खाली सियासतदान हो, बिल्कुल अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है हमारे मुल्क के लीडरों में। ओ भाई, एक प्लेटफार्म पे आओ और वतन के लिए सोचो, वतन में को आगे बढ़ाओ, वतन आगे बढ़ गया, वतन बुलंदी पे आ गया, तुम खुद बहुत चढ़ जाओगे, तुम्हारा खुद बखुद नाम ऊपर आ जाएगा, तुम्हारी अपनी इज्जत खुद बखुद बढ़ जाएगी। और तुम सारे का तो नहीं यार, अब मैं इस वक्त तो बच गया हूँ ना, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, दाल रोटी मिल रही है, वो मरता है मरे, दूसरा कहता है अब वो मरता है मरे, और ये सारे मरता है मरे, मरता है मरे, ये सारे आप एक दूसरे के साथ खेल चुके हैं, और ये खेल और ये फार्मूले आप अच्छी तरह जांच चुके हैं कि ये कब किसके साथ क्या क्या होता है और किसको किस तरीके से संभाला जाता है, उसको किस तरीके से निकाला जाता है, उसको किस तरीके से टैगल किया जाता है, वो उभरना चाहे उसको कैसे प्रेशराइज करके दबाया जाता है, ये सारी फिल्म पीपल पार्टी, नून लीग, पीटीआई अच्छी तरह जानते हैं। और फिर जहालत की दा है कि फिर भी एक जगह नहीं बैठ सकते, अल्लाह ने के बान है, पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट प्रोडक्ट मीटिंग में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, बातें बहुत हैं। मरहूम तारिक अजीज साहब कहते थे कि मुझे माइक मिल जाए, 4 बंदे सुनने वाले मिल जाए तो मैं तो पागल हो जाता हूँ, फिर मेरे से 10-10 दिन खड़े करके बातें करा लो, बातें ख़त्म नहीं होंगी। तो इंशाल्लाह बातें बहुत हैं, मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, तो मिलजुल कर करो, खुदा का वास्ता है, आगे बढ़ो। एक शेर है मेरा ही, छोटी सी काविश है, लिखा हुआ है, बहुत पहले भी वीडियोस में कह चुका हूँ, आज फिर आपको याद आने के लिए दोहरा देता हूँ कि बहुत कर ली मौज मस्तियाँ, अय्याशियाँ बदमाशियाँ, 76-77 साल खुदा का वास्ता है, अब कौम को कोई नया मिजाज दो, ये टांगे खींचना, डिग्रेड करना, पत्थर मारना, एक दूसरे को जलील करना, ये तो नस्लों से सीखा है हमने, अब हाथ पकड़ कर खींचना उसको रिवाज। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं कोई प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं हूँ, कोई ज़्यादा तकरीरें भी करने वाला नहीं हूँ, तो बहुत सारी जगह पर ऊंच नीच हो सकती है, तो उसके लिए इग्नोर कीजिएगा, ये सोचिएगा कि यार ये बंदा मुल्क के लिए कुछ कहना चाह रहा है, या इसके अल्फाज सही नहीं होंगे, या अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन मकसद ठीक था यार, ये हमें इन चीज़ों को वाकई सोचना चाहिए। चलो इसने हाईलाइट कर दिया है, हम इसकी ज़रा गहराई में डीप में जाके सर्चिंग तो करें कि पीपल पार्टी के साथ भी ऐसा ही हुआ, नून लीग के साथ भी यही हुआ है, क्या पीटीआई के साथ भी यही हुआ है, तो क्या ये सारी जमातों के साथ यही हुआ है, तो ये एक दूसरे का तमाशा ही देखते हैं, तो क्या पूरी ज़िंदगी यही तमाशा चलता रहेगा? ये वतन की इज्जत है, ये मुल्क दुनिया में मुल्क का इमेज बनाओगे, खुदा का नाम लो यार, पाकिस्तान मेरे अल्लाह का दिया हुआ कितना प्यारा मुल्क है, और ये माह रमज़ान का महीना है, इसी महीने में 27 रमज़ानुल मुबारक को मेरे अल्लाह पाक ने हमें ये वतन अजीज़ अता किया, ठीक है, तो इसी माह रमज़ान में इसको अच्छा बनाने के लिए भी कोई ऐसा काम करके दिखाओ कि दुनिया राज करे, दुनिया माने कि यार हैं कोई इस कौम के लोग जिन्होंने वतन के लिए कुछ करके साबित कर दिया कि वतन की इज्जत होती क्या है, वतन के चाहने वाले कैसे होते हैं, अजीम कौम कैसी होती है। तो ये बातें करो, ये कौन सा तरीका है दूसरी की टांगे खींचे, पूरी ज़िंदगी वही 76 साल बर्बाद करके रख दिए, और दुनिया में पाकिस्तान का नाम नीचे से नीचे जा रहा है, और जो लोग हमसे बहुत सालों बाद आज़ाद हुए हैं उनसे जाके देखो वो हमसे कई गुना आगे खड़े हैं, वजह कि वो एक कौम है, मुसलमान नहीं भी हैं, वो कौम बन के खड़े हो गए, हम मुसलमान बन के नीचे पड़े हुए हैं। तो एक शेर है, वो आपकी अर्ज नज़र कर देता हूँ कि सैकड़ों खुदा हैं जिनके, वो एक जगह खड़े हैं, और हम एक खुदा वाले, न जाने क्यों जो बिखरे हुए पड़े हैं।
پاکستان زندہ باد. اللہ نے